लोग शिव जी की पूजा हो रही है, माला अर्पण की जा रही है, आरती हो रही है और मैं अभी यहाँ पर मंदिर में उपस्थित हूँ और कैसे भगवान के ऊपर पूजा कर रहे हैं और कैसे माला चढ़ाई, माला चढ़ाने के बाद जल चढ़ाया जा रहा है, जल चढ़ाने के बाद पूरा पूरा विधि विधान से पूजा हो रही है। सबको आना लिखने और अपना आज आज शुक्रवार का दिन है, यानी सब लोग सावन मास में हर आदमी कृषक अच्छा पूजा करना है। तो मैं आज एक मंदिर में गया हूँ और यहाँ पर सबसे अच्छी पूजा हो रही है, इतना अच्छी भक्ति भाव है, श्रद्धा है, सब लोग है भगवान के ऊपर के लिए चंदन चढ़ा रहे हैं, चंदन का शिवलिंग की पूजा हो रही है, शिवलिंग पर चंदन का लेप कर रहे हैं और बढ़िया करके पूजा कर रहे हैं। तो शिव जी जो है निरंकारी हैं, उनको बेल पसरी और पीले सफ़ेद पुष्प और तुरा और भांग और इस प्रकार की चीज़ें सबसे बड़ी चीज़ है शिव जी का। शिव जी हमेशा ठंडी में रहने वाले हैं और ठंडी ठंडी में रहने के लिए उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध का अभिषेक किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। देखिए ये लोग और ही श्रद्धा के साथ मंदिर में पूजा करें, तो पूरा मंदिर का आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबके मंगल हो। उसके साथ आज सुबेरे के ब्लॉग में दोस्तों में भगवान शिव जी का देखिए कैसे चंदन बना रहे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, कैसे शिव जी की पूजा की जाती है, किस प्रकार में चंदन का लेप किया जाता है, बिल्कुल ऐसा आकार बना दिया कि बहुत ही बढ़िया। ये जो है हमारे श्रद्धा की श्रद्धा है, लोगों को भगवान के प्रति अपार श्रद्धा है, पूरी श्रद्धा से है, पूरा पूजा ध्यान लगा रहे हैं और उनके लिए पूरा चंदन शिवराज उनको पूरा विधि विधान है, विधि विधान के साथ ये चंदन लगा रहे हैं, लोग जुटा रहे हैं और जैसे शिव जी का रूप होता है वह पूरा इन्होंने प्रतिष्ठा के माध्यम से दिखा दिया है। और सभी महिलाएँ जिसे जितना भगवान को समर्पित है उन्हें पूरे मंदिर मंदिर और आके करेंगे और बहुत ही अच्छी बात है। मैं भी उसको इस मंदिर के प्रांगण में हूँ और भगवान का अक्षय कुमार को और लंका में जाकर के रावण को के ऊपर उन्होंने प्रहार किया और वहाँ जाकर लगे लंग को जा रहा ला आसमान लंग लग गई जय जय लंकू जय अब विलम्ब के कारण कल्याण जय 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 लक्ष्मण जय गीता जय
सुख सागर श्री हनुमान भैरी मार गदा बदले भैरी मार, यानी गदा बद्र से उन्होंने अनेक प्रकार के भैरियों को मारा। महाराज की बात क्योंकि महाराज भगवान रामचंद्र जी का अपार प्रपाती ओंकार ओंकार बज्र गदा यानी दोस्तों ये बजरंग बाण है, इसके अंदर भगवान प्रेम प्रतीत ही कभी जो सदा रहे वो ध्यान यही भी कार्य सफल सुबह सिद्ध करे। यानी हनुमान जी हमारे सभी कार्य को हनुमान जी हवा के रास्ते पवन के रास्ते आसमान के रास्ते आकाश के रास्ते आकार के रास्ते श्रीलंका को पहुँचे, उन्होंने अनेक प्रकार के समुद्र पार किया और सीता जी के लिए आए, उन्होंने सीता जी की रक्षा की। रामचंद्र के परम पुरुष है रामचंद्र ने हमेशा उनको अपने शरण में रखा, अपने अपने सानिध्य में रखा। तो ये हनुमान जी का मैं आज मंदिर में यहाँ पर सिद्धेश्वर मंदिर है, ये सब पर लखनऊ में बना हुआ है, वो समान पूजा ध्यान करें। इस प्रकार से मुझे शिव जी ने चंदन लगाया, पुष्प माला उसके बाद जला से लगाया, दूध चढ़ाया जा रहा है, उसको आज हम सबके आदि आधिक शुभकामना करता हूँ और सबके मंगल कामना करता हूँ। एक क्रम से यहाँ पर पूजा हो रही है, पूजा ध्यान किया जा रहा है, सभी लोग जो भी लोग भगवान के गतिविधि के आस्था होते हैं उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान जो है मंदिर में दोस्तों खड़ा हूँ। ये भगवान शिव जी की आरती है, जो कि ओम कारा ओम हनुमा विष्णु सदा शिवानंदा ओम जय शिवानंद है तीनों चंदन को है सिद्धि जग के करता है, जग के भरता है, जग के पालन करता है। और ब्रह्मा विष्णु सदा शिवता ब्रह्मा है, विष्णु है, उन्होंने सृष्टि की रचना की थी और पूर्णा सती है था। यानी हाँ हम अपने और जो भी हमारी सृष्टि की रचना है उसके अनुसार तीनों में एक ही गुण पाए जाते हैं। त्रिगुण शिवानंद की आरती ये ब्रह्मा विष्णुमयी की जो आरती गाते हैं का शिवानंद स्वामी हमें शिवानंद करते हैं। शिव शंकर पार्वती को कभी कष्ट नहीं होता है, कभी परेशानी नहीं होती है, वो हमेशा मोक्ष प्राप्ति के करते हैं। क्योंकि भगवान शिव जी की आरती है वो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हनुमान जी का है के लिए पूजा करें, उन्होंने माला चढ़ाई, चंदन लगाया, आरती करी और धूप प्रज्वलित किया और तमाम प्रकार से भगवान पूजा की। आज आनंद इतने ब्लॉक में मुझे इस मंदिर में आने का मौका मिला, मुझे भी भगवान के दर्शन करने के का मौका मिला। मैं सबको दोस्तों इसको शेयर करता हूँ, इस तरह से भगवान की पूजा की जाती है। अक्सर कोशिश वही करनी चाहिए भगवान का ध्यान लगाएँ और वो मिलती है कि खासतौर से सावन के महीनों में भगवान का पूजन किया जाता है। लोग सवेरे का टाइम है, जल अभिषेक किया जाता है, शिव जी को जितना जल चढ़ाएँ उतना आपके मन में शांति होगी। जब शिव जी को शांति मिलती है तो हमको भी शांति का आभास होता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आज पूरे मंदिर प्रांगण का आपको इसका पूरा दिखाया और सब लोगों ने आरती की, पूजा की, भजन किया, शांति की अच्छी यहाँ पर पूजा हुई है। और यहाँ पर और भी देवताओं की प्रतिमा है, ये भगवान रामचंद्र जी हैं, सीताराम कृष्ण हैं,
और ये दुर्गा माता है, ये दुर्गा माता है, और ये लक्ष्मी माता है, राम है, और ये हनुमान जी जो कि त्रिगुण हैं, और ये राम रंग के दूत हैं, ये हमेशा राम रंग के हृदय में विराजमान रहते हैं। उन्होंने कभी भी राम रंग को नहीं छोड़ा, इसलिए ये बिल्व पत्र जो है भगवान जो भी पूरा सावन के महीने में लोग पूजा करते हैं, पुष्प करते हैं, माला लगाते हैं, तो जो भी नियम केवल एक सोमवार के दिन करते हैं, जो सफ़ेद पुष्प पढ़ाए जा रहे हैं, तो मैं आनंद का लाली सब मान करता हूँ, आदर करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। भगवान जी के पास है इसे ये पूजा धाम इस प्रकार से किया जाता है, बच्चे जो है सरकार मंगल में उठे और ये पूजा है। आज में विधि विधान से जो भी पूजा पाठ तरीके समझ रखा अपने ब्लॉग के माध्यम से सब कुछ किया गया, जिसको इस प्रकार भगवान व्यक्ति के लिए गंगा जल कराए, गंगा जल गंगा जल संग सिलाए, गंगा जल कराए और शिव जी पर चंदन लगाया, पुष्पमाला उन्होंने पहनाई और जलाभि किया, दूध किया और दिल पत्र चलाया, कपूरा चलाया, पान चलाया, तो इस प्रकार से भगवान जो है पढ़ाया उसको, और इस प्रकार से जो है ये स्थान है, तो शिव जी में जो चीज है गोली भी लगाई जाती है, शिव जी में पीला चंदन लगाया जाता है, जिसको तमाम श्रद्धालु आए अपना जला करके जाएंगे, मैं सबकी पता चेहरा लगा लूँगी, तो उसको पूजा की थाल आ गई और अपना पूजा कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं, और स्कूल अपनी सबका अभिनंदन करता हूँ, जिससे ये जला हो रहा है, तो अभिनंदन करता हूँ सबको, भगवान का आशीर्वाद लें, और इसके लिए भक्ति मूर्ति है राधा कृष्ण की मूर्ति है, ये गौ माता है, गौ माता के साथ राधा कृष्ण विराजमान है, ये मथुरा वृंदावन का की सीन है दोस्तों, वहाँ पर गौ माता भगवान श्री कृष्ण को गौ माता बहुत ही प्रिय थी, और इस प्रकार दोस्तों ये जो है ये मंदिर है, ये मंदिर का नाम है जैसे शिव जी और ये मंदिर का स्थान है, बहुत ही अच्छा ये मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर जो है 17-16 में बना हुआ है, पूरे मंदिर का बाहर दीदी का मंदिर आए हैं, उसके अंदर मंदिर का पूरा दिखाई दे रहा है, कि दुर्गा माता के दर्शन करिए, काली मैया है, काली मैया के दर्शन करिए, दुर्गा माता के दर्शन करिए, और ये ओम नमः शिवाय दीदी सिद्धि जो भगवान दीदी सिद्धि खूब लाभ और स्वराज के यहाँ पर वर्णन किया गया है, और ये और बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास उसको ये मंदिर है, ये बहुत काफ़ी सालों से बना है, दरअसल ये जो कि कारगिल के युद्ध में जिनका जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे उनकी याददाश्त में ये बनाया गया है, माँ विंध्यवासिनी, ये है ओम नमः शिवाय, ओम श्री हनुमती नमः, माँ विंध्यवासिनी सेवा समिति स्टेशन इतना कैप्टन मुकेश पार्क, यानी ये कारगिल युद्ध में कैप्टन मुकेश जी को प्राप्त हो गए थे, तो उनकी याददाश्त में ये 17-16 इंदिरा नगर लखनऊ के अंदर ये मंदिर बनाया गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें उन्हीं की याद में उनके भगवान की सेवा भगवान को के नाम से उनके नाम से इस मंदिर को बनाया गया है, और दोस्तों मुकेश श्रीवास्तव जो ये मंदिर बनाया गया है ये उनके सौजन्य से बनाया है, और उनकी याददाश्त के लिए बनाया है, उन्होंने हमारे देश के लिए अपने शरीर का बलिदान किया, और पूरा कारगिल के युद्ध में अपना सेवा भाव दे करके देश के प्रति सम्मान दे करके आज हम उनकी याद में इस मंदिर को उनके माता जी ने और उनके परिवार ने इस मंदिर का निर्माण करने में पूरा सहयोग दिया, और उन्हीं के नाम से ये कैप्टन मुकेश पार्क बना हुआ है, ये कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे,
और इन्होंने बहुत ही वीरता का वो दिया। उसी उपलक्ष्य में दोस्तों ये जो है विंध्यवासिनी माँ विंध्यवासिनी के द्वारा ये बनाया गया है। कैप्टन मुकेश पार्क इसका नाम रखा गया है, इसलिए रखा गया है जिन्होंने हमारे देश के लिए इतनी बड़ी सेवा की। आज शुक्रवार का दिन है और यहाँ पर शिव जी का पूजन हो रहा है, तमाम भगवानों के पूजन क्या हो रहा है। मैं जो भी वो मुकेश श्रीवास्तव पार्क जो ये मंदिर उनके नाम से बना गया है उनको उनके उनको वह सदा अमर रहें, उनका वह इतिहास में उनका नाम रहे, हमारे जो भी लाल किले में उनका नाम अंकित रहे है, और इस मंदिर में भी यह मंदिर भी उन्हीं के सौजन्य से उन्हीं के परिवार के सौजन्य से बनाया गया है, उनकी याददाश्त में बनाया गया है ताकि हम उनको हमेशा याद करते रहें। यहाँ पर उनका एक पार्क यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर उनका मूर्ति भी है, उनकी प्रतिमा भी, उनकी उनका स्टैचू भी यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से भगवान का ये सेक्टर 16 में माँ विंध्यवासिनी सेवा समिति द्वारा मंदिर बनाया गया है, बहुत ही अच्छी जगह है। ये मेट्रो स्टेशन इसके लिए ठीक है दोस्तों, मैं आपको मेट्रो दिखा रहा हूँ, पूरी गाड़ियाँ हैं चारों तरफ, मेट्रो स्टेशन है, तो मेट्रो स्टेशन के पास ही बना हुआ है, बिल्कुल तो मेट्रो स्टेशन से लगा है मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन, ये गेट मुंशी पुलिया में मेट्रो स्टेशन का ये गेट है, इसी गेट के सामने ये बना हुआ है दोस्तों ये मंदिर। तो अधिक से अधिक लोग आकर इस मंदिर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, अभी भी पूजा कर रहे हैं। मैंने बार बार आप लोगों को दिखाया और अनेकों बार मैं इस मंदिर को दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एक शहीद के नाम से खुला शहीद के नाम की याददाश्त में बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी आस्था है। ये शिव जी का देखिए किस प्रकार से अभी अलंकृत किया, उनको शिव भगवान जो हैं निरंकारी हैं, वह हमारे सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं, ब्रह्मा विष्णु तीनों का रूप एक है। मैंने उनकी आरती दिखाई और बजरंग बाण कैसे हुआ, बजरंग बाण यानी हनुमान जी का दिव्य रूप दिखाया, उनकी आरती का प्रसंग बताया कि भगवान जी ने इसी लंका में जाने के लिए और रावण पर विजय प्राप्त करने सीता की खोज करने के लिए अनेकों समुद्र को लांघ करके वो आगे गए और उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट सह करके अनेक प्रकार हुआ करके रामचंद्र जी के पास वो आगे बढ़े। उन्होंने पूरे राक्षसों का वहाँ का विध्वंस किया और पूरे लंका में जो है दुष्टों का विनाश किया। तो दोस्तों ये हनुमान जी हमारे आज शुक्रवार का दिन है, माँ संतोषी माता का भी दिन है आज दोस्तों। तो मैं इसी अवसर पर आज मंदिर में आया, इस मंदिर में मैंने तमाम श्रद्धालुओं को देखा, उनकी पूजा भी देखी और ये कैप्टन मुकेश श्रीवास्तव पार्क के नाम से ये मंदिर बनाया गया है, विंध्यवासिनी समिति द्वारा ये बनाया गया है। और उन्होंने कैप्टन श्रीवास्तव जी के याददाश्त में और उन्होंने देश के प्रति वीर गति प्राप्त की, उसी उपलक्ष्य में ये बनाया गया है और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो मैं सबके मंगल कामना करता हूँ। देखो ये देखो ठीक है, ये मंदिर जो है जैसे पूरा मेट्रो स्टेशन जी में आपके बार बार दिखा रहा, यहाँ पर पूजा का सामान कहाँ पर बाहर है, तमाम श्रद्धालु यहाँ पर अभी कल सोमवार के दिन अगर मेरे को मौका मिलेगा दोस्तों, मैं कल सोमवार के बाद दिन फिर यहाँ पर आऊँगा और आपको फिर अपने वीडियो के माध्यम से इस मंदिर का पूरा वृत्तांत, रजिस्ट्रेशन संख्या 1143 है और 2014 और 15 में ये बना हुआ है दोस्तों। कारगिल युद्ध के बाद बना है, कारगिल में जब मुकेश श्रीवास्तव जी कारगिल के युद्ध में पठान कौन सी जगह वहाँ पर शहीद हो गए थे, तो उनकी याददाश्त में इसको बनाया गया है, उनके परिवार के आज में पूरा सौजन्य है और माँ के निवास उसने अपना पूरा सहयोग दिया, उन्होंने इस मंदिर को बनाने के लिए जगह उपलब्ध कराई। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये भगवानों के प्रति समर्पण की बात है। उनके याददाश्त में हम भगवान का उनको भी याद करते हैं, उनको भी याद करते हैं दोस्तों। जो लोग इस प्रकार से शहीद होते हैं उनकी शहीद में उनके शहीद होने के अवसर अगर हम पूजा अर्चना करते हैं, भगवान का वह ध्यान करते हैं, तो वह वास्तव में अमरता के मोक्ष के प्राप्ति उनको वैसी हो गई है।
वो देशभक्ति के लिए जो अपने प्राण की जो निछार करता है तो वह अमरत्व के प्रतीक हैं और आज भी हमारे लिए प्रेरणा के प्रतीक हैं। और इसी प्रकार दोस्तों आज शुक्रवार के अवसर पर मैंने पूरा मंदिर प्रांगण का माँ विंध्यवासिनी सेवा समिति रजिस्ट्रेशन नंबर इतना कैप्टन मुकेश पार्क सेक्टर 16 इंद्रानगर लखनऊ पूरा मंदिर का प्रांगण का प्रांगण दिखाया आपको। मंदिर में इतने आस्था आई भक्त आए उनकी पूजा विधि दिखाई। अभी भी लोग देखे मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं और तमाम श्रद्धालु आकर के अभी लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है दोस्तों श्रद्धालु आकर के पूरे मंदिर का कर रहे हैं। तो अंत में मैं आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से सबके मंगल भव की कामना करता हूँ। भगवान का आशीर्वाद सबका बना रहे और देश सेवा के लिए हमको सब कुछ समर्पित कर भी दें वो भी कम है दोस्तों। इसलिए देश की सेवा हमारा पुनीत लक्ष्य है, पुनीत कर्तव्य है। अगर देश रहेगा हम भी रहेंगे। तो अनेक ऐसे वीर थे जिन्होंने कारगिल में और भारत पाकिस्तान युद्ध में चाइना के युद्ध में शहीद होकर के अपने प्राणों की बाजी लगाई और उनकी याददाश्त में कुछ ना कुछ कहीं पार्क बने हैं, कहीं मंदिर बने हैं, कहीं गुरुद्वारे हैं। इस प्रकार दोस्तों इससे हमको हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है कि देश के लिए हमको क्या करना चाहिए। इसी अनुक्रम में मुझे आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं सबको शेयर कराऊँ, सब लोग मेरी भावनाओं को सुनें और भगवान के प्रति समर्पण और आस्था को बनाए रखें। और कहीं किसी भी भाव में आप लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं उनका उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के लिए लोगों ने क्या क्या किया और क्या अभी कर रहे हैं और हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं। ये जो मंदिर बना है दोस्तों ये सैनिक की याददाश्त में बना है। एक कैप्टन जो कि होनहार थे उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश के लिए अपने को समर्पित किया। तो इसी भाव से तमाम विंध्यवासिनी सेवा समिति और उनके परिवार के लोगों ने यहाँ पर उनका मंदिर की स्थापना की। ये मंदिर 2014-15 के आसपास इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और ये बना है, ये निर्माण किया गया है। यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं। ये बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास है दोस्तों। मेट्रो की सीढ़ियाँ दिख रही हैं और यहाँ पर तमाम प्रकार के कन्वेंस के साधन हैं। देखिए मैं बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ। देखिए मंदिर के प्रांगण के सामने मैं खड़ा हूँ। दोस्तों आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं सबके मंगल भव की कामना करता हूँ और इसी प्रकार दोस्तों भगवान के प्रति आस्था बनाए रखें और सबको भगवान का आशीर्वाद हो। सबके मंगल भव के कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सबका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, खुश रहें और देश के लिए समर्पण की भावना हर व्यक्ति में जो भी किसी कार्य को कर रहा है। हम कोई भी कार्य करते हैं सुबह भगवान से हम यही कहते हैं कि हम हमेशा जो है देश के किसी न किसी प्रकार देश के काम आए। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। इसी से हमारा जीवन पदार्थ हो सकता है और हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हो सकता है। और दोस्तों देश सेवा सबसे बड़ी चीज़ होती है और जो भी लोग वीरगति को ऐसे प्राप्त होते हैं तो वह हमेशा अमरत्व के सूचक होते हैं, प्रेरणा के सूचक होते हैं और वह भगवान और उनके एक प्रकार से वह मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाती है। दोस्तों देश सेवा सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं आज शुक्रवार के अवसर पर सबके मंगल भव की कामना करते हुए बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद और मैं आज मंदिर प्रांगण से आप लोगों को भगवान के दर्शन कराए, पूजा की विधि मैंने आपको दिखाई। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा मैंने भी यहाँ पर पूजा पाठ में हमेशा करता हूँ दोस्तों। तो पूजा पाठ आस्था है, एक जो शहीद हैं उनके नाम से ये बना है देखो दोस्तों, तो उनके नाम से ये बना हुआ है। यहाँ पर और आस्था का सैलाब उमड़ जाता है, अच्छा लगता है, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं। तो अंत में मैं तहे दिल से सबके मंगल भव की कामना करता हूँ और इस मंदिर में हमारी आस्था बने रहे, भगवान शिव पर सबके आशीर्वाद बना रहे। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भव की कामना के साथ मैंने आज मंदिर का पूरी पूजा शिव जी का पूजा विधान बताया। और जिन्हों यहाँ पर भीड़ रहती है दोस्तों, सावन का महीना है
पवित्र महीना है, शिव जी का पूजन होता है, रोज यहाँ पर पूजन होता है। ऐसा नहीं है कि सोमवार को ही पूजन होता है, रोज़ शिव जी का यहाँ पर पूजन जाता है। आज तक लोग जो भी भगवान में आस्था करते हैं और रोज़ आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सबके मंगल भोज की कामना के साथ मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। सबको मेरा आशीर्वाद, बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद। भगवान शिव और सभी देवताओं की, जैसे मैंने आपको हनुमान जी का चित्रण दिखाया, हनुमान चालीसा दिखाई, बजरंग बाण दिखाया और शिव जी की आरती का विधान सुनाया, ब्रह्मा विष्णु एक ही रूप में है उनको दिखाया। तो इस प्रकार से हमको दोस्तों, अगर भगवान के प्रति आस्था होती है, जैसे हर उम्र के लोग जो यहाँ पर अपनी अपनी माँ अपने अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान अगर आप सच्चे दिल से आप भगवान का की पूजा ध्यान करेंगे, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। अंत में मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान का आशीर्वाद सबको बना रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जबत दुरारी, दीन दयाल विश्वारी, रघुनाथ रामाय रामचंद्राय रघुनाथाय नाथा सीताय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण।